नमस्कार आप देख रहे हैं एस पी न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के जुबानी जंग बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो ये, सियासी लड़ाई है, ये और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है और इसी बीच में एक बड़ा खुलासा करने के लिए हम आपके साथ ये रिपोर्ट साझा कर रहे हैं देखिये यहाँ पर एक शिंदे की जो लड़ाई है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ में वो जाहिर तौर पर एक अलग रूपरेखा लेती हुई नजर आ रही है यही वजह है कि राहुल शिविर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है आपको बता दें कि इस बड़े बयान में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी जब उद्धव ठाकरे जो है बिल्कुल भी अपने होशो आवाज में नहीं थे तब उनके युवराज यानी कि आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड में युवराजित्यश कर रहे थे जी हाँ ये बड़ा बयान जो है राहुल शिवाले ने दिया है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उनका युवराज ही उनका ध्यान नहीं रख रहा है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो नेता है वो तो उनके गुट से निकल करके जाएंगे ही देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे अब इस बयान का जवाब कैसे देते हैं हाल ही में हम आपको बता दें कि बीते दिन जो है उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया था एक शिंदे के पोते को लेकर के जब उनका यह बयान सामने आया उसके बाद देखा गया कि राहुल शिवाले भी हमलावर नजर आए शिंदे गुट की तरफ से और वो सीधे सीधे यहां पर आदित्य ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो सियासी गलियारे में जो हलचल चल रही थी और ये जो जुबानी जंग चल रही थी अब यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलू के तहत नहीं रह गया है अब ये घर के बच्चों तक भी ये बात पहुंच चुकी है देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अब अपने अपने बच्चों के ऊपर जो है आरोप को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जब पर उद्धव ठाकरे ने आरोप एक नाथ शिंदे के पोते के ऊपर तो उसके बाद देखा गया कि हाल ही में तुरंत के तुरंत जवाब भी मिलता हुआ नजर आया और जवाब भी आदित्य ठाकरे को लेकर के बहरहाल आज की हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही ये जुवानी जंग देख करके आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की सियासत अब किसान और किस गली की तरफ जा रही है आप हमें कमेंट में जरूर और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीआई नाइन न्यूज